सो हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। करंट अफेयर फंडा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टीआरएस के बारे में। जो टेक्नीशियन ग्रेड थ्री टीआरएस वाले होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जो उनकी जो सैलरी है, उनकी मतलब जॉब प्रोफाइल जो हो क्या होती है, ठीक है, उनकी जो सैलरी क्या होती है, क्या उनका प्रमोशंस होता है, ड्यूटी आवर्स क्या होती है, ठीक है, जॉब लोकेशंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो होगा वो ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों ही वाले का होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रुप सी वाले भी देख सकते हैं और ग्रुप डी वाला भी देख सकते हैं, दोनों के लिए होता है, ठीक है। दोनों का जो काम यहाँ पर होता है वो दोनों का काम सेम ही होता है, फ़र्क ये होता है कि दोनों की पोस्ट अलग अलग होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे रेलवे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, TRD, ठीक है, TRD होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो TRD होता है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं TRD का फुल फॉर्म नहीं पता होगा कि एक्चुअल में TRD होता क्या है। देखिए, TRD जो होता है ना, जिसको फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ठीक है, TRD को बोलते हैं ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल जो होते हैं, रेलवे में इलेक्ट्रिकल दो ब्रांच होते हैं, ठीक है, एक होता है TRS और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं TRD, ठीक है। दोनों का काम जो होता है गाइस इलेक्ट्रिकली डिपार्टमेंट होता है, बट दोनों का काम के जो काम होता है उन दोनों के काम का फ़र्क अलग अलग होता है। दोनों का काम बहुत डिफरेंस होता है। जो TRS जिसे ट्रैक्शन रोलिंग सिस्टम रोलिंग स्टॉक कहता है, वो उसे TRD अलग होता है, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग होता है। चलिए हम देख लेते हैं कि TRS का काम क्या होता है। गाइस, जैसे आपको पता है कि आपने रेलवे इंजन कभी देखा ही होगा, जो रेलवे का जो इंजन होता है, ठीक है, जैसे आप ये जो रेलवे इंजन देख रहे हैं, नॉर्मल में आप तो इसे ये कहिएगा कि ये रेलवे इंजन है, ठीक है। लेकिन अगर टेक्नीशियन की लैंग्वेज में कह दें, ठीक है, टेक्नीशियंस की लैंग्वेज में कह दें कि ये क्या है, तो टेक्नीशियन की लैंग्वेज में गाइस इसे हम लोको कहते हैं। जब आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तब आपको वहाँ पर ये आप जो है उस टाइम उसको ये नहीं बोलिएगा कि ये इंजन है, ठीक है। वहाँ के आप इंजन हमारे लोकल पर्सन के लिए होता है, लेकिन जब टेक्नीशियंस की बात है इसे लोको कहा जाता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि लोको पायलट, ठीक है, लोको पायलट को इसलिए कहा जाता है जो ट्रेन चलाते हैं, क्योंकि इसमें जो इंजन होता है उसका नाम होता है लोको और जो चलाते हैं उनका नाम होता है पायलट, इसलिए कहा जाता है कि लोको पायलट, ठीक है। तो ये जो आपका इंजन होता है इसे लोको कहा जाता है। और आपका जो TRS वाले जो जितने भी होते हैं TRS वाले टेक्नीशियंस होते हैं, उनका काम जो होता है सिर्फ इसी पोर्शन को देखभाल करने का काम होता है। जैसा कि आप देख सकती है, सिर्फ इंजन का ही काम होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंजन, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजन होते हैं ना रेलवे में, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी TRS के अंडर में होती है। उसकी पूरी मतलब जो मेंटेनेंस का काम होता है वो सारा जिम्मेदारी। आपको पता है कि एक जो इंजन होता है गाइस, एक इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। अगर इसमें ट्रांसफार्मर होता है, आपको पता होगा, ठीक है, इसके बाद इसमें सिमुलेटर होता है, इसमें इंसुलेटर होता है, ठीक है, इसके बाद इसमें ब्रेक होते हैं, इसमें व्हील्स होते हैं, व्हील्स वाले ब्रेक इसमें लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका ओवरहॉलिंग किया जाता है, फिर सर्किट्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, ठीक है गाइस। इसमें कह सकते हैं एक अच्छी खासी जो होती है, ये मैंने एक इलेक्ट्रिकल इंजन जो होता है गाइस पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली होते हैं, सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे ही इसमें लगे होते हैं। सो गाइस, इस इंजन को सर्विसिंग का काम किया जाता है वो TRS के अंडर में होता है, कि इस इंजन की सर्विसिंग करना वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी जिम्मेदारी जो होती है TRS की होती है। चलिए देखते हैं TRS का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको TRS का जो फुल फॉर्म होता है, इसे ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका जो काम होता है गाइस, जो ओवरहॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोको, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोको मैंने बोले लोको जो कहते हैं वो इंजन को कहा जाता है, ठीक है, इंजन को लोको कहा जाता है। अगर आप जब ज्वाइन कर लीजिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, जब कोई इंजन जो होता है, ठीक है, उनका जब एक ट्रिप खत्म होता है, जैसे देखिए पहला काम क्या है, ट्रिप इंस्पेक्शन, मतलब किसी भी एक ट्रेन का इंजन का जो एक ट्रिप पर्टिकुलर खत्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक ट्रेन मुंबई से दिल्ली गई, वापस दिल्ली से मुंबई आती है, तो उसका एक ट्रिप खत्म होता है, ठीक है। जब एक ट्रिप खत्म हो जाता है ना, तो उसका जो इंजन होता है उसके इंजन का ओवरहॉलिंग होता है, मतलब इंस्पेक्शंस होता है, ठीक है। उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, मोटर होते हैं, ब्रेक होते हैं, इंजन्स होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इन सब का जो है उनको जो है इंस्पेक्शन करना, चेक करना रहता है, ठीक है। ये सिर्फ जो होता है कुछ
ये हर होता है, हर बार होता है जब कोई भी ट्रेन इंजन जो होती है अपने एक जो मतलब एक जो ट्रिप कंप्लीट करके आती है, ये सिर्फ सिर्फ ओनली हल्का फुल्का दिखाया जाता है, ठीक है, ट्रिप इंजेक्शन में। उसके बाद वो गाइज होती है एक मंथली इंस्पेक्शन, ठीक है, ठीक है। मंथली इंस्पेक्शन में क्या होती है गाइज, जितने भी ट्रेन होते हैं, जितने भी लोको होते हैं, महीने में उनकी एक बार अच्छे से जो होती है इंस्पेक्शंस होती है। इसमें गाइज हर लोगों का एक महीना फिक्स होता है कि उस एक महीने में जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनकी जो है एक बार जो मेंटेनेंस की ही जाती है, ठीक है। उसी तरह गाइज दो मंथ होते हैं, फोर मंथ होते हैं, एनुअल होते हैं, ठीक है। जब गाइज एक एनुअल होने लगते हैं, उसी तरह फिर 3 ईयर्स के लिए होते हैं, फिर 6 साल के लिए होते हैं। तो गाइज जब 6 साल के लिए होते हैं, जब कोई इंजन का एक पर्टिकुलर लाइफ होता है गाइज 2 साल, 3, ठीक है, 3 साल, 5, 6, 7, 8 साल, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर 6 साल हो जाता है तो उसके इंजन का एक एक पार्ट जो होता है हर चीज़ चेक करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है तो उसे सर्विसिंग रिपेयर करना होता है। TRS एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब होता है गाइस, क्योंकि ये एक इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी TRS के ऊपर होती है, ठीक है। इनका पर्टिकुलर एक ये काम होता है कि लोगों को जब अपने गंदे तवा से छूटता है, कहीं से जाने के लिए रवाना होता है, तो उस लोगों के अंदर जो होता है कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जिससे जो लोगों को पायलट जो होता है किसी को प्रॉब्लम हो सके, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं सके कि चलती हुई गाड़ी में ऐसा नहीं कि ब्रेक ना लगे, ठीक। इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक TRS के ऊपर होती है कि ट्रेन के इंजन के रिगार्डिंग, लोगों के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ प्रॉपर काम करनी चाहिए, चाहे एक छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। कभी बीच में ऐसा ना हो कि लोगों आपको ले बीच में ले जाकर धोखा देते, बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो इससे लोगों चालू नहीं हो रही है। सो तो एक ओवरऑल कह सकते हैं गाइस TRS की बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लोगों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोगों बेस्ट TRS के अंडर में ही होता है, ठीक है, ठीक है। अभी बात कर रहे थे आगे, तो इसमें देखिए गाइस मैंने आपको बोला कि जो इसमें जो शेड्यूल किस तरह शेड्यूल होता है, जैसे देख सकते हैं कि आप जो एक पर्टिकुलर लोको है, ठीक है, किसी किसी का ये सिर्फ आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस इंजन की रहती है, ठीक है, TRS वालों की, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। सिर्फ उनको जो है गाइस इस TRS का ही जो इंजन का ही जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ता है। जैसे गाइस ये एक मंथली हो जाती है, जिसमें आपको जो है मंथली में आपको कम से कम एक बार तो आना ही पड़ता है लोको को, और वहाँ पर जो है आपको चेकिंग करना ही पड़ता है, ठीक है। उसका गाइस मैंने आपको बोला एयरलिस होती है, एयरलिस में जब आपको पर्टिकुलर 1 साल के चलने के बाद 2 साल के बाद वहाँ पर भेज दिया जाता है, वहाँ पर जो होता है उनकी जो है चेक की जाती है। गाइस आपको पता होगा कि जो हमारे लोको शीट होते हैं उसमें बहुत तरह के मोटर लगे होते हैं, ठीक, उन मोटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो TRS के अंडर में होती है। देख सकते हैं आप इस इमेज में, देख सकते हैं ये सभी जो है गाइस ये मोटर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पहिए होते हैं, जो गाइस पहिए होते हैं उनमें मोटर लगे होते हैं, वो यही मोटर होते हैं, और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी TRS के अंडर में होती है, ठीक है। इस पर आगे देख लेते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन TRS जो होते हैं गाइस उनको दो जगह पोस्टिंग मिलती है, एक तो होते हैं ट्रिप शेड में उनको जो पोस्टिंग दी जाती है, या फिर उनको लोको शेड में दी जाती है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे ट्रिप शेड क्या है, ठीक है, लोको शेड क्या है, देखिए ट्रिप शेड मतलब जो गाइस यहाँ पर जो ट्रिप शेड में बहुत तरह के शेड होते हैं, देखिए पहले आगे लोको शेड के बारे में, देखिए देयर आर वेरियस सेक्शन ऑफ लोको शेड, जितने भी लोको शेड होते हैं ना गाइस, एक ट्रेन के जो लोको होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सेक्शंस होते हैं। देखिए एक होता है बोगी सेक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन और ट्रांसफार्मर सेक्शन। ये गाइस जितने भी सेक्शंस होते हैं ना, सभी सेक्शंस के एक अलग अलग जो होते हैं SSC होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसके अंडर में जो होते हैं JE होते हैं, और उसके अंडर में टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, टेक्नीशियन 1, 2, 3, और उसके अंडर में जो ग्रुप डी वाले काम करते हैं। हर सेक्शन में अलग अलग SSC होते हैं, ठीक है, जो इसका जिसके निगरानी के अंदर जो है JE काम करता है, और उसके सुपरविजन के अंदर जो होता है टेक्नीशियंस काम करता है, ठीक है। देख अगर बात करें बोगी सेक्शन के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने जब ट्रेन के जो बोगी सेक्शन देखते हैं उसके जो नीचे का पोर्शंस होते हैं जो होते हैं इंपॉर्टेंस होते हैं पहिए, ठीक है, व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ब्रेक्स। तो ये जो नीचे का जो पोर्शन होता है गाइस वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोगी सेक्शन के अंदर में आती है उसके लिए अलग से SSC देखता है, ठीक है। तो उसके अलग डिपार्टमेंट होती है जिसमें जो है कुछ TRS टेक्नीशियन वालों को जो है वहाँ पोस्टिंग दी जाती है कि आपको जो है बोगी सेक्शन है वही देखना है। मीन्स बोगी सेक्शन के रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं, जैसे देख सकते हैं कि ये बोगी का जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पर बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं, बहुत सारे ब्रेक है, एक्चुएटर है, कॉम्प्रेसर, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सब जो होता है इनका मेंटेनेंस के काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गैस ये उनके अंडर में होती है, उनको देखना पड़ता है, ठीक है।
दूसरी होती है हमारी ट्रांसफार्मर सेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर सेक्शन में भी अलग से जो गाइस होते हैं, अलग से इंजीनियर होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर सेक्शन है जहाँ पर जो है अलग से एसएससी होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर सेक्शन में गाइस 25 kV आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेलवे जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है गाइस, यहाँ पर ये जो होता है आपके जो वायर्स जाते हैं उससे टच करती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 25 kV सप्लाई होता है, तो ये जो सप्लाई होता है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है यहाँ पर, तो वो देखभाल करता है, उसके लिए TRS होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट सेक्शन क्या रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर सेक्शन के अंडर आता है। तीसरी हो जाती है गाइज आपकी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में क्या होती है गाइज कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो होती है आपकी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिगार्डिंग जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग जितने भी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोगों होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर चिप लगे होते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें PCB इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड भी लगे होते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग कंपनी का होती है, ABB का होती है, माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारी कंपनी का होती है, तो उसके लिए एक अलग से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन होता है, उसके लिए अलग से SSC नियुक्त किया गया जाता है, जो कि उसका जो कि उस पर्टिकुलर सेक्शन की देखभाल करता है, कि वो चेक करता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो गाइज ये तीन सेट्स होते हैं, लोको सेट्स में बोगी सेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन होते हैं और ट्रांसफार्मर सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद सम आर सोफिस्टिकेटेड सेक्शन, लाइक कुछ इसके अलावा और भी जो होते हैं सेक्शंस होते हैं, लाइक CPU इज लोकेटेड, ठीक है। द CPU इज कम फ्रॉम द, ठीक है, जो CPU लगी होती है, चिप लगी होती है, बहुत अलग अलग कंपनी से आती है। मैंने आपको कहा है कि कोई कोई तो ABB कंपनी से आती है, कोई वेल कंपनी से आती है, बहुत अलग अलग कंपनी से आती है, तो उनकी जो अलग से देखभाल करनी पड़ती है, ठीक है। चौथी बात इसमें मोस्टली पोस्टेड इन वन सेक्शन फ्रॉम मेजर टाइम, देखिए इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे जो ऐसे TRS टेक्नीशियंस होते हैं या फिर ग्रुप डी वाले हेल्पर होते हैं, तो उनको जो है एक पर्टिकुलर जगह के लिए हमेशा मैक्सिमम टाइम के लिए वहीं पर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इसका एक रीज़न है गाइस, देखिए इस TRS ऐसा जॉब है जहाँ आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत सीखने मिलेगा, काम का ओवरलोड रहेगा गाइस, लेकिन आपको यहाँ सीखने इतना मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको किसी स्टेशन पर उन्होंने पोस्टिंग कर दी है और आप कुछ सालों से वहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ सालों से वहाँ पर काम कर रहे हो, तो गाइस अगर आपको जो गाइस 4-5 से 6 सालों में एक अच्छी नॉलेज हो जाती है, ठीक है, उस जो है पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है, तो गाइज इसीलिए तो फिर आप यहाँ से गाइज JEE और SSC बन सकते हो, ठीक है। तो एक सो एक अगर कोई टेक्नीशियन को एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है गाइज, तो अपना प्रमोशन बहुत आसानी से मिल जाता है, और ठीक है, और वहाँ SSC आसानी से बन सकता है। इसलिए गाइज जितने भी TRS वाले देखिए जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी पोस्टिंग एक पर्टिकुलर जगह फिक्स हो जाती है, बहुत कम ही ऐसा और होता होगा जहाँ पर उनकी जो शिफ्टिंग की जाती है, ठीक है। पांचवी बात, यू आर फ्रंटलाइन स्टाफ इन लोको ओवरऑल, ठीक है। लोको मतलब कि आप इंजन, मैंने पहले ही बता दिया कि आप जो जब कोई लोको आता है गाइस, तो टेक्नीशियन जो होता है ना उसके फ्रंटलाइन होता है, मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पहला टेक्नीशियन होता है जो कि लोको की जो पूरी तरह से वेरीफिकेशन करे, जाँच पड़ताल करे, ठीक है। उस टेक्नीशियन के अंदर गाइस कोई ग्रुप डी वाला एम्प्लॉय होता है, वो भी उसके साथ ही में रहता है, ठीक है। वो दोनों को मिल के जो होता है उस जो लोको की पूरी तरह से जाँच करनी रहती है। उसके अलावा गाइस अगर लोको के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसे पार्ट्स ब्रेक हो गए, टूट गए, ठीक है, कोई ऐसे पार्ट जो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे सेक्शन जिनसे रिप्लेसमेंट करने की जरूरत होती है, तो गाइस उसका एक चार्ट बनाना पड़ता है, और वो चार्ट प्रिपेयर करने के बाद जो वो JEE को सौंप देना पड़ता है, JEE मतलब जूनियर इंजीनियर को, जिससे JEE इंजीनियर उस पार्ट को चेक करता है, और फिर अगर प्रॉपर में बन नहीं सकता, रिपेयर नहीं हो सकता, तो वो आगे जो है SSC को फॉरवर्ड करता है, जिसके द्वारा वो नया जो सामान को मंगाया जा सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है गाइस वो TRS वालों को होती है और ग्रुप डी वाले स्टाफ की होती है, जब जैसे ही लोको आए तो उसकी जो है वेरिफिकेशन जो है पूरी तरह से चेक करें कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है गाइस। TRS में सिर्फ ठीक है लोको ही, ठीक है, एक सिर्फ प्रॉपर बहुत सारे कोचेस आ जाते हैं इसमें, जो गाइस EMU आ जाते हैं, ठीक है, EMU आ जाते हैं, MEMU जितने होती है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रो, ठीक है, कोच मेंटेनिंग जो होती है वो आ जाती है, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजन्स होते हैं वो सारे, ये सारे गाइस इसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे सब TRS के अंदर में भी आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए गाइस ड्यूटी आवर्स की बात कर लेते हैं। देखिए आपको जैसे कि मैंने बहुत पहले ही कह चुका रहा हूँ कि ड्यूटी आवर्स दो तरह की होती है, एक होती है जनरल ड्यूटी, एक होती है शिफ्ट आवर ड्यूटी,
जनरल ड्यूटी में क्या होती है कि 8 से 5 होती है, ठीक है। नॉर्मल आप सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, ठीक है। शिफ्ट ड्यूटी क्या होती है गाइस, 8 आवर्स की होती है, जैसे कि 24 घंटे होते हैं, तो 3 शिफ्ट हो जाती है इसके अंदर, जिसमें हर एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है। देखिए ज़्यादातर गाइस यहाँ पर जो ड्यूटी आवर्स होती है वो लगभग जनरल ड्यूटी ही होती है। रीज़न ये होता है, ठीक है, आपको जितने भी TRS वाले होते हैं टेक्नीशियन, उनकी टारगेट होती है, ठीक है, दिन में गाइस आपको कम से कम 5 से 6 ट्रेन जो होते हैं उनकी जो आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ओवरहॉलिंग करना ही पड़ता है, आपको चेक करना ही पड़ता है, ठीक है। तो दिन में गाइस आपको लगभग टारगेट ज़्यादा होता है, कम से कम 5-6 करना ही पड़ता है, ठीक है गाइस। अगर नाइट शिफ्ट की बात कर ले तो नाइट में गाइस जो होती है, आप नाइट में गाइस आपके पास मेमो भी आ जाती है, ठीक है, लोगो के अलावा मेमो भी आ जाती है और EMU भी आ जाती है। तो नाइट में गाइस आपको मेमो और EMU इनका भी जो इंजन लोको होता है उसको भी आपको चेक करना ही पड़ता है। नाइट में गाइस थोड़ा काम का प्रेशर कम रहता है, नाइट में आपको ऐसे 3-4 लोगों को ही देख रेख करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। लेकिन दिन में गाइस आपको 6 से 7 जो है आपको दे दिया जाता है, कहा जाता है कि आपको 6 से 7 लोगों का जो है इंस्पेक्शन पूरी तरह से करना है कि किसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो गाइस मोस्टली जो होता है जनरल ड्यूटी होता है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी कभी कभी इंस्पेक्शन कुछ बड़े बड़े स्टेशन पर हो जाती है, ठीक है। अब गाइस लोको, जैसे मैंने कहा था गाइस लोको सेट में 3 तरह होते हैं, बुगी सेक्शन होते हैं, टेस्टिंग सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन होते हैं, तीनों के अलग अलग सेक्शन इंजीनियर भी होते हैं, ठीक है। पोस्टिंग इन ट्रिप सेट इज मोस्टली शिफ्ट ड्यूटी, अगर आप ठीक है, मैंने जैसे कहा कि शिफ्ट ड्यूटी बहुत कम होती है, अगर आपकी जो पोस्टिंग ट्रिप सेट हो जाती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं जहाँ पर मंथली जो होती है ट्रिप की जाती है, मंथली इंस्पेक्शन किया जाता है, कभी पर डे का जाता है, कभी एयरली का जाता है, वहाँ अगर आपकी जो पोस्टिंग होती है गाइज, ठीक है, ये जितनी भी गाइज जो आपका जो ठीक है ट्रिप सेट होती है वो हमेशा जो वर्कशॉप पर ही होती है, जहाँ पर इंस्पेक्शन जितने भी लोगों का इंस्पेक्शन होता है वो वर्कशॉप पर किया जाता है, ठीक है। तो कहीं जिसमें जनरल ड्यूटी शिफ्ट होना पॉसिबल हो सकती है। अभी ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, देखिए टेक्नीशियन जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं ना गाइस, उनकी ट्रेनिंग पीरियड हमेशा 12 महीने रहती है, ठीक है, ये तो आपका फिक्स है, आपको 1 साल तक ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। अब ये सवाल ये आता है कि आपको स्कूल में करनी पड़ेगी कि लाइफ करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए गाइस अब जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं ना, इनको ऑन फील्ड ट्रेनिंग की जाती है, मतलब इनको जो है ऑन फील्ड जॉब पर भेज दिया जाता है, ठीक है, ऑन फील्ड जॉब पे भेजा जाता है, वहाँ पर ही इनको ट्रेनिंग कराया जाता है, वो लगभग 12 महीने का होता है, ठीक है। कभी इनको जो है कहाँ दे भेजा जाएगा, तो यहाँ पर जो इनको जो भेजा जाता है कहीं शेड्स जो होते हैं, नियर शेड्स हो जाते हैं या फिर ट्रिप शेड होती है, यहाँ पर इनको भेज दिया जाता है, जहाँ पर लगभग 12 महीने तक इनका ट्रेनिंग पीरियड चलते रहता है। उसके बाद जब ये ट्रेनिंग ख़त्म होता है तब इनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम के बाद इनका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग पीरियड की बात जो मैंने आपको बता दी है, ये आगे देखते हैं ट्रेनिंग पीरियड्स के बारे में। जैसे देख सकते हैं ये एक, ठीक है, लोको शेड है, ठीक है, ये एक लोको शेड है। यहाँ पर जो गाइस जितने भी नए न्यू ज्वाइनिंग होने वाले हैं वह यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर उनको मैंने ऑन फील्ड काम करना पड़ता है और यहीं पोस्टिंग भी होती है, तो यहीं पर उनका जो है पूरी तरह से चेक वेरीफिकेशन इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं गाइस सैलरी के बारे में, सैलरी क्या मिलती है। देखिए सैलरी का मैंने पहले ही कहा था कि जो नॉर्मल जो टेक्नीशियन Grade 3 वाले आते हैं उनकी बेसिक पे तो 19,900 रहता है, Level 2 में 7 पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है। अभी मैंने जस्ट 2019 में जो DA बढ़ चुका है, जो पहले 12% था वो अभी 17% हो गया, और उनकी सैलरी 3,338 DA मिलती है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होती है वो आपका जो 1,350 तो फिक्स रहता है प्लस DA, ठीक है। इस ये डिपेंड किस पे करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। अगर आपकी पोस्टिंग कहीं बड़े शहर में हो गई है, बड़े डिवीज़न में हो गई है, तो आपको जो DA होता है अच्छे खासा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो पोस्टिंग कहीं छोटे से विलेज गांव में हो गई है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है गाइस कम हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप किस जगह पर आपको पोस्टिंग हुई है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये जा रहे हाउस रेंट अलाउंस, गाइस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आपके जॉब लोकेशन पे। जैसे कि हम जानते हैं 3 तरह के शहर होते हैं, XYZ, ठीक है। यहाँ पर अगर एक सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 20% ऑफ बेसिक मिलता है, वाई सिटी में 16% मिलता है और जेड सिटी में 18। मीन्स अगर आपके जो सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन में क्या है, उसके हिसाब से जो है आपका परसेंटेज बढ़ते रहता है, ठीक है। अगर आप एक सिटी में रहेंगे तो 4,700 मिलेगा,
वाई सिटी में 3100 मिलेगा, जेड सिटी में आपको सिर्फ 1500 ही मिलेगा। तो ये सिटी पर डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है। अगर गाइस बात करें कि टोटल सैलरी कितनी मिलती है आफ्टर ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, या आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, तो गाइस अगर मैं आफ्टर ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ, देखिए इन ट्रेनिंग में आपको लगभग समझ सकते हैं ना 25,000 रुपया, आप मान के चलिए 25,000 रुपया आप मान के चलिए कि इन सैलरी आपको आएगा, इन हैंड आएगा इन ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद गाइस आपकी जो सैलरी हो जाती है वो आपकी 30+ हो जाती है। मैं आपको कह रहा हूँ आपकी सैलरी 30+ हो जाएगी एक साल बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो, ठीक है, 30+ आराम से आपको सैलरी मिली जाती है। ठीक है, आप किसी भी पूछ सकते हो। अब गाइस बात होती है प्रोमोशंस के बारे में, सर प्रोमोशन ऐसे बहुत सारे, इन्होंने पूछा प्रोमोशन किस तरह होता है। ठीक, जैसे गाइस आप जानते हैं कि टेक्नीशियन TRS जो होता है, हम जो नॉर्मल फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनको TRS के रूप में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 TRS। उनके बाद इसका प्रोमोशन होता है TRS 2, टेक्नीशियन में होता है, दो में होता है। इस प्रोमोशन के लिए गाइस इनको 3 साल वेट करना पड़ता है, या फिर आप LDC और LDC एग्ज़ाम देना पड़ता है। अभी GDC ADC क्या होता है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाके आप मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद गाइस जब Tech 2 में आ जाते हैं, आपने Tech 2 से Tech 1 जाना पड़ता है, इसके लिए भी आपको कम से कम 3 साल तो गाइस कसना ही पड़ता है, ठीक है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आपका प्रमोशन होता है Tech 1। Tech 1 से MCM जाने में कोई एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है कोई एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ प्रमोशंस हो जाती है, MCM बन सकते हैं। ठीक है, MCM के बाद JEE में आपका प्रमोशंस होता है, जहाँ आपकी सैलरी लगभग 50,000 आपको, ठीक है, 50,000 तक आपको मिल सकती है, जहाँ आपको सैलरी 50,000 तक आ जाती है आराम से। ठीक है, उसके बाद गाइज आप JEE से SSC बन सकते हो, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, जहाँ आपका प्रमोशन SSC में हो जाता है। गाइज TRS में भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, एक बोगी सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन और ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, जहाँ पर SSC हर सेक्शन का SSC अलग अलग होता है। मीन्स एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा जॉब यहाँ पर आपको मिल जाता है TRS में। ठीक है, प्रमोशन भी अच्छा होता है, नॉलेज भी बहुत अच्छी आपको सीखने के लिए मिल जाती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सैलरी विद अदर, जिस प्रमोशन के साथ साथ सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होता है। तो हाँ, प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी में बढ़ता है, जहाँ पर आपका पहला बेसिक पे 19,900 रहता है 3 का, वहाँ अगर आप 2 में आ जाते हो गाइस, तो 2 में आप देख सकते हैं आपकी सैलरी कितनी हो गई है, तो 25,000 हो गई है। उसी तरह 1 में आप आ जाओगे तो 29,200 हो जाती है, उसी तरह पे बैंड 6 हो जाती है। उसकी तरह आप अगर MCM में आते हो तो आपकी सैलरी 35,400 मिलती है, JEE में अगर आ जाते हो तो भी 35,400 मिलती है। अब आप कहोगे कि सर दोनों की तो सैलरी सेम, फ़र्क क्या है? देखिए दोनों की सैलरी सेम है, फ़र्क होता है सिर्फ पोस्ट का, पावर का। MCM का पावर कम होता है, JEE का पावर ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए JEE को ऊपर रखा जाता है MCM से। MCM से आप JEE प्रमोशन के थ्रू ही बन सकते हो। ठीक है, अगर SSC की बात कर ले तो यहाँ आपकी सैलरी 44,900 अच्छी खासी बन जाती है, जहाँ देख सकते हैं 44,900। मीन्स गाइस अगर आपका प्रमोशंस होते रहा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है और एक अच्छी खासी सैलरी में आपको मिल सकती है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते सर जॉब सही है कि नहीं, कैसा जॉब। देखिए ये जो TRS का जॉब होता है, मैंने आपको कहा था कि TRD+ TRS, ठीक है, ये दोनों ही जॉब इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट्स होते हैं, फ़र्क होता है दोनों का काम अलग अलग होता है, लेकिन दोनों में से बेस्ट जॉब कौन सा है, तो TRS जो जॉब होता है गाइस ये बहुत ही बेस्ट जॉब होता है। आप बोलोगे क्यों होता है, देखिए TRS डिपार्टमेंट गाइस ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ आपको बहुत सीखने के लिए मिलता है। जैसा आप देख सकते हो कि बेस्ट जॉब इन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जॉब होता है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा जो आपको TRD में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अभी बात दूसरी पॉइंट चीज़ ये होती है गाइस, को मैंने आपको कहा कि इनकी पोस्टिंग हमेशा एक ही जगह होती है। रीज़न बोल दिया, इनकी उनके पास उस सेक्शन का पूरा नॉलेज होता है, जिससे वो उस सेक्शन में बहुत ही जल्दी JEE और SSC बन सकते हैं। ठीक, इसलिए उनकी पोस्टिंग एक जगह होती है। ड्यूटी आवर्स के मैंने बोल दिया कि इनकी ड्यूटी जो होती है जनरल शिफ्ट दोनों होती है, मैक्सिमम जनरल होती है, नाइट ड्यूटी, नाइट करने की टेंशन बहुत कम ही होती है। ठीक है, वो बड़े सेशन पर होती है। इसमें मैंने कुछ और चीज़ बोला कि आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्योंकि एग्जाम एग्जैक्ट जो होता है गाइस कोर जॉब होता है। ठीक है, जहां आपको जो अच्छे खासे नॉलेज मिल जाती है।
चेंज टू विजिट फ्रोजन कंट्री फॉर लर्निंग लोको डिजाइन आफ्टर प्रमोशन टू जेई। देखिए यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि हमारा जो जेई इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, रेलवे में बहुत सारी जो है नई नई चीज़ें आ रही है बाहर से, ठीक है, हमारा लोको भी बाहर ही से आता है, ठीक, नए नए टेक्नोलॉजी लगे होते हैं, तो आपको कैसे, अगर आप जेई, अगर आप टेक्नीशियन से, ठीक है, टेक से अगर जेई बन जाते हो, ठीक है, अगर और जेई बन जाते हैं और जो जो लोको नया आया हुआ होगा, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आपको बाहर भेजा जा सकता है, जहाँ पर आप बाहर जाके वहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाके वहाँ नहीं सीख सकते, वहाँ पर जाकर सीख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस और बात, इसके अलावा गाइस आपने जब रेलवे में जब ट्रेवल करते हो तो आप ऊपर देखते हो कि यहाँ पर जो जब वायर गई, यहाँ पर जो वायर गई होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ठीक, ये इस वायर से टच हुई रहती है, ठीक है, ये जो गाइस ये होती है इस वायर से टच हुई रहती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कलर से, ठीक है, ये जो गाइस पोर्शंस होता है ये इस वायर से टच हुआ रहता है, जहाँ पर 25 kV सप्लाई होता है, ठीक, सॉरी। तो गाइस इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक TRS की होती है, उनको बहुत ही गाइस सेफ्टी से काम करना पड़ता है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये 25 kV का वायर वो सप्लाई किया हुआ रहता है, और इनकी अगर ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी TRS को होती है, इनको मेंटेनेंस सर्विसिंग भी TRS वाले ही करते हैं, ठीक है, तो एक बहुत ही रिस्क, एक कह सकते हैं कि एक बहुत रिस्की जॉब भी होता है ये, ठीक है। अब ये बात कर रहे थे जॉब किस तरह, जैसे मैंने अभी भी कहा कि आप ये एक थोड़ा जॉब जो होता है थोड़ा रिस्की जॉब होता है, कहाँ, क्योंकि आपको जो हर तरह से सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक सेफ्टी आपकी जान ले सकती है, ठीक है, एक बहुत ही लॉन्ग रन, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह कितना, मतलब बहुत ही लोड तो कम होता है, लेकिन आपको नॉलेज बहुत सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ सीखने के लिए मिल जाएंगे। यू हैव रेगुलर टारगेट, तो ठीक, आपको हमेशा मतलब अचीवमेंट होती रहेगी, आपको अगर आपके पास नॉलेज अच्छा हो जाता है तो आप बहुत जल्दी जो है SSC या फिर JEE में प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है, ये एकदम डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कह सकते हैं कि TRS एक रेलवे की बहुत ही अच्छी जॉब होती है, जहाँ पर नॉलेज की कमी नहीं होती है, साथ ही साथ आपकी सैलरी भी एक अच्छी खासी बन जाती है और मिल जाती है। सो गाइस ये एक TRS का जॉब प्रोफाइल था जो मैंने आपको बता दिया, जो बहुत दिन से कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर TRS के बारे में बताओ उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो मैंने उनको पूरे बता दिया कि उनका ये काम होता है, इस तरह से काम होता है, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के बारे में होती है। सो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ जानने को मौका मिला है, ठीक है, तो हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी, ठीक है, ब्रांच कोई और है, ठीक है, तो गाइस अगर इसके अलावा अगर और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ देखिए रेलवे जॉब प्रोफाइल लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जाइएगा आप, तो यहाँ पर आपको रेलवे रिगार्डिंग जितने भी जॉब प्रोफाइल्स होते हैं टेक्नीशियंस के, ठीक है, यहाँ देखिए वेल्डर का है, TRD वालों का है, लसन लोको पायलट का, CW का है, ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस का है, सिग्नल्स वालों का है, ठीक है, ट्रेन लाइटिंग का है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, ग्रुप सी प्रमोशन किस तरह होता है, ठीक है, ट्रैक मशीन का है, ठीक है, यहाँ ठीक है LP वालों का है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का है, ठीक है, जॉइनिंग लेटर, यहाँ मतलब गाइस आपको पूरी तरह से जितने भी रेलवे जॉब प्रोफाइल होते हैं वो सभी कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है, इसका लिंक जो है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस, हैव ए नाइस डे।